हेलो फ्रेंड, दिस इज सरवान खटक एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश इन उर्दू विद सरवान। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वाइज। फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वाइज को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपनी स्क्रीन के दाएं जानिब नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद वहां पर नमूदार होने वाले बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के लेसन की तरफ। आज का लेसन है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वाइज। तो फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वाइज को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, इस लेसन में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहली तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का जो पैसिव वाइज का सेंटेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, और एक उर्दू सेंटेंस को हम इस फार्मूले के मुताबिक इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा फ्रेंड, हम आज के लेसन में ये पढ़ेंगे कि अगर हमें कहीं एक्टिव वाइस का सेंटेंस मिल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस का, तो हम उसको पैसिव वाइस में किस तरह से चेंज करेंगे, यानी वो कौन कौन सी चेंजेस होंगी कि जो करने से एक एक्टिव वाइस का सेंटेंस पैसिव वाइस में चेंज हो जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहां पर इस्तेमाल होता है, किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है, इसकी इसका फार्मूला क्या होता है, ये तमाम चीजें हम चैप्टर 2 के लेसन नंबर 2 में जो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है वहां पर तफसील डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप फ्रेंड वो तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप पास्ट कंटिन्यूअस का जो एक्टिव वॉइस का लेसन है चैप्टर 2 का लेसन नंबर 2 वो आप वो वीडियो देख लीजिए, वहां आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप वहां से क्लिक करके भी वो लेसन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के लेसन की तरफ। आज के लेसन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पहचान दी हुई है। अच्छा फ्रेंड, ये जो पहचान मैंने यहां पर दी हुई है अच्छी तरह ध्यान में रखिए कि ये पहचान एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की दी हुई है, क्योंकि अब हम उस मरहले पर आ गए हैं कि अब हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान को डिस्कस करना है, ना कि जो लेसन है उसकी पहचान को डिस्कस करना है। क्योंकि लेसन की पहचान क्या होती है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें हम चैप्टर 2 में तफसील से मुख्तलिफ लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो चूंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान। तो चलते हैं हम लोग पहचान की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने लिखी हुई है एक्टिव वॉइस की पहचान। एक्टिव वॉइस में जुमले का सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, यह है एक्टिव वॉइस की पहचान। एक्टिव वॉइस में जुमले का सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, ठीक है जी। पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस में काम जुमले के सब्जेक्ट ही पर हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर किसी जुमले में, ये जो पहचान हमने लिखी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जुमले में उस जुमले का सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो जुमला एक्टिव वॉइस कहलाएगा, और अगर उस जुमले का सब्जेक्ट काम ना कर रहा हो, काम उल्टा सब्जेक्ट ही पर हो रहा हो, तो वो जुमला पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, अब जब एक सेंटेंस हमारे सामने आएगा तो हम उसको पहले पहचानेंगे कि वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, और पहचानने के बाद अगर वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा तो फिर तो हम उसे स्किप कर देंगे, हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। क्योंकि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को ट्रांसलेट किस तरह करते हैं इंग्लिश में, ये हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा तो फिर हम उसे पैसिव वॉइस के जो हमारे पास फार्मूला है पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस का, इस फार्मूले की मदद से इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, इमरान अली को मार रहा था और नंबर 2 इमरान को मारा जा रहा था। अब फ्रेंड्स ये दो सेंटेंसेस हैं, हम इनको जरा चेक करते हैं कि अगर इनमें से कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो उसे हम अपने पैसिव वॉइस के फार्मूले पर जो हमने रेड कलर से लिखा हुआ है इसके मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चेक करते हैं फ्रेंड्स कि सेंटेंस एक्टिव कहें या पैसिव कहें। पहले हम अपना सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। पहला सेंटेंस है इमरान अली को मार रहा था। अच्छा फ्रेंड्स, अब इमरान अली को मार रहा था, हमने इसको चेक करना है कि ये एक्टिव वॉइस क्या है ये पैसिव वॉइस क्या है। सेंटेंस को चेक करने के लिए, मालूम करने के लिए कि एक्टिव वॉइस क्या है या पैसिव वॉइस क्या है, हमें दो चीजें पहले उस सेंटेंस में से मालूम करनी होगी। पहली ये मालूम करनी होगी कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, दूसरा ये कि उसका वर्ब क्या है। ये दो चीजें मालूम करने के बाद ये जानना हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि वो सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। तो देखते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है। इमरान अली को मार रहा था, इमरान अली को मारा था, हम इमरान के बारे में बात कर रहे हैं, इमरान के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इमरान हो गया इस जुमले का सब्जेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी जुमले में जिस शख्स या चीज के मुतालिक बात की जा रही हो
वो जुमले का सब्जेक्ट कहलाता है। तो हम कहते हैं इमरान अली को मार रहा था, इसका मतलब है कि अब इमरान के बारे में बात कर रहे हैं। अब फ्रेंड हम मालूम करते हैं कि सेंटेंस का वर्ब क्या है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी जुमले में जिस लफ्ज से हमें यह पता चले कि जुमले में काम क्या हो रहा है, वो लफ्ज जुमले का वर्ब कहलाता है। इमरान अली को मार रहा था, फ्रेंड्स क्या काम हो रहा था? मारने का। तो मारना हो गया इस जुमले का वर्ब। हमने वर्ब भी मालूम कर लिया। अब फ्रेंड्स अगला मरहला आता है यह मालूम करने का कि यह सेंटेंस एक्टिव का है, यह पैसिव का है। वेरी सिंपल फ्रेंड्स, अगर जुमले का सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो सेंटेंस एक्टिव वाइज है, अगर वो काम ना कर रहा हो, काम उल्टा उसी पर हो रहा हो, वो खुद ही यानी सब्जेक्ट खुद ही एक्शन से मुतासिर हो रहा हो, तो सेंटेंस पैसिव वाइज का है। अब देखिए काम हो रहा मारने का, इमरान सब्जेक्ट है, तो देखिए फ्रेंड्स मारने का काम इमरान कर रहा है या इमरान पर हो रहा है? इमरान अली को मार रहा था, इसका मतलब यह हुआ कि मारने का काम इमरान खुद कर रहा था बनफ्से नफीस। तो चूंकि इमरान यह काम खुद कर रहा था मारने का, लिहाजा इसका मतलब यह हुआ कि इमरान एक्टिव है, यानी कि एक्टिव सब्जेक्ट है। हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जुमले का, अगर सेंटेंस एक्टिव वाइज का है तो उसका सब्जेक्ट भी एक्टिव होगा, वर्ब भी एक्टिव होगा। तो आपने देखा कि मारने काम इमरान खुद कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ये सेंटेंस एक्टिव वाइज का है। तो एक्टिव वाइज का है इट मींस के इसका सब्जेक्ट भी एक्टिव सब्जेक्ट कहलाएगा, इसका वर्ब भी एक्टिव वर्ब कहलाएगा। तो सेंटेंस हुआ इमरान अली को मार रहा था एक्टिव वाइज का। तो एक्टिव वाइज का है तो इसको ट्रांसलेट करना हम पिछले चैप्टर के लेसन नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा हम इसको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। लिंक इस लेसन का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इस लेसन को यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के लेसन को स्टडी करना चाहे तो आप उस पर क्लिक करके वहां उस लेसन को देख सकते हैं। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं फ्रेंड, इमरान को मारा जा रहा था, सब्जेक्ट मालूम करते हैं और उसके बाद वर्ब मालूम करते हैं और फिर उसके बाद हमारे लिए इसका वॉइस मालूम करना ईजी हो जाएगा। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट इमरान को मारा जा रहा था, मैं आपको बता रहा हूं इमरान को मारा जा रहा था। तो फ्रेंड्स मैं आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं? इमरान के बारे में। तो चूंकि मैं इमरान के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि इमरान इस जुमले का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट मालूम कर लिया। अब दूसरा काम हमें ये करना है कि हम इसका वर्ब मालूम करेंगे। वर्ब मालूम करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि यह सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। इमरान को मारा जा रहा था फ्रेंड, मारने का काम हो रहा था, तो मारना इस जुमले का वर्ब है। हम इसको अंडरलाइन करके भी लिख देते हैं, मींस वर्ब। अब हमने इसका सब्जेक्ट भी मालूम कर लिया और इसका वर्ब भी मालूम कर लिया। अब हमें यह देखना है कि जो काम हो रहा है फ्रेंड इसे मारने का, यह सब्जेक्ट कर रहा है या ये काम सब्जेक्ट ही पर हो रहा है। अगर सब्जेक्ट कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है, और अगर सब्जेक्ट ही पर हो रहा है तो पैसिव वॉइस है। इमरान को मारा जा रहा था, फ्रेंड्स उर्दू जानते हैं आप अच्छी तरह से, इमरान को मारा जा रहा था इसका मतलब ये हुआ कि मारने का काम इमरान नहीं कर रहा था, बल्कि इमरान तो जमीन पर पड़ा हुआ था, कोई और उस पर ये काम कर रहा था। इमरान को मारा जा रहा था, कोई और उसको ठुडे और लाते मार रहा था कोई उसको, तो ये काम जो है इमरान पर हो रहा था। तो जो जुमले का सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा, काम उल्टा उसी पर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में इमरान जो था वो मारने का काम कर रहा था, इमरान अली को मार रहा था, मारने का इमरान खुद कर रहा था। यहां पर इमरान को मारा जा रहा था, यहां पर काम जो है वो इमरान नहीं कर रहा बल्कि इमरान पर हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पर हो रहा है। तो अगर सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। तो पता चला कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। ठीक है जी, इसका जो सब्जेक्ट है वो भी पैसिव वॉइस हो गया, वर्ब भी पैसिव हो गया, और सब्जेक्ट भी पैसिव हो गया, और पूरा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का हो गया। तो चूंकि पैसिव वॉइस का हो गया, अब हम इसको पैसिव वॉइस ही के फार्मूले पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास सब्जेक्ट है, हम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख देंगे। सब्जेक्ट हमने पहले मालूम कर लिया है इमरान, तो हम यहां पर लिख देते हैं इमरान। ये फ्रेंड्स हो गया इमरान। इमरान के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है। दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, वाज या वर्ब। वाज या वर्ब में से जो भी सूट करता हो अब लगाइए। आप अच्छी तरह सीख चुके हैं कि अगर जुमले का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। तो इमरान चूंकि एक शख्स की बात हो रही है लिहाजा हम यहां पर वाज लगाएंगे, इमरान वाज। हमने वाज लगा दिया फ्रेंड। उसके बाद फार्मूला कह रहा है कि अब आप बींग लगाइए। बींग आप जानते हैं कि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ एज इट इज आएगा, यानी यहां पर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वाज हो, वर हो, कुछ भी हो, बींग सबके साथ हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एडिशनल हेल्पिंग वर्ब में सबके साथ ही आता है। बींग भी इस्तेमाल कर लिया फ्रेंड्स हमने यहां पर, बींग।
बीइंग के बाद फ्रेंड सब्जेक्ट कह रहा है, फार्मूला कह रहा है कि अब आप लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम सीख चुके हैं अच्छी तरह से पहले कि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो तो उसमें जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म ही में आता है। तो हम जो मेन वर्ब है उसकी यहां पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मेन वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, मारने का। मारने इंग्लिश होती है बीट, और हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीटन, बीट बीट बीटन, हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं, बीटन बीटन हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद कह रहा है कि आप बाय और एजेंट लगाइए। तो फ्रेंड्स देखिए इमरान को मारा जा रहा था, एजेंट यानी कि डूअर का जिक्र नहीं है यहां पर, यह जिक्र है ही नहीं कि यह काम कौन कर रहा था। तो चूंकि जिक्र ही नहीं है लिहाजा हम यहां पर लगाएंगे फुल स्टॉप और हमारा सेंटेंस यहां पर खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स क्या सीखे हमने कि अगर हमारे पास एजेंट या डूअर ना हो तो हम मेन वर्ब पर आकर ही फुल स्टॉप लगाएंगे और हमारा सेंटेंस वहां पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर जिक्र हो, इमरान को मारा जा रहा था, आगे से कोई भी जिक्र हो, मिसाल के तौर पर इमरान को मारा जा रहा था, हम कुछ यूं ले लेते हैं कि अली के जरिए इमरान को मारा जा रहा था, अली के जरिए अगर हम यहां पर एजेंट और डूअर देना चाहें तो दे सकते हैं। अब हमने यहां पर दे दिया है तो के जरिए के लिए, के जरिए की मीनिंग देने के लिए फ्रेंड्स हम लगा देंगे बाय। फार्मूला बता रहा है कि बाय लगाइए, हमने यहां पर लगा दिया बाय। और उसके बाद वो कह रहा है कि डूअर बताइए, डूअर का मतलब ये कि काम कर कौन रहा है। इमरान को मारा जा रहा था तो मारने काम कौन कर रहा था फ्रेंड्स, अली के जरिए, अली कर रहा था तो बाय अली, अली हो गया इस जुमले का डूअर। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कुछ यूं हुआ कि इमरान वॉज बींग बिटन बाय अली, इमरान को मारा जा रहा था अली के जरिए से। और नेगेटिव करना चाहें तो वही तरीका जो हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में डिटेल्स के साथ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो पहला हेल्पिंग वर्ब हो आप उसके बाद नॉट लगाइए, सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। यानी अब हो गया सेंटेंस इमरान वॉज नॉट बींग बिटन बाय अली, इमरान को नहीं मारा जा रहा था अली के जरिए। और अगर आप इसको सवालिया बनाना चाहें, इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो सब्जेक्ट के बाद जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आइए, यानी वॉज इधर आ जाएगा फ्रेंड्स और यहां से खत्म हो जाएगा। अब हो गया वॉज इमरान बींग बिटन बाय अली, वॉज इमरान बींग बिटन बाय अली, क्या इमरान को मारा जा रहा था अली के जरिए। और अगर हम इसको नेगेटिव भी करना चाहें और इंटरोगेटिव भी, तो वॉज भी रहने दें और यहां पर नॉट भी इस्तेमाल कर लें, तो ये सेंटेंस हो जाएगा वॉज इमरान नॉट बींग बिटन बाय अली, क्या इमरान को नहीं मारा जा रहा था अली के जरिए। तो फ्रेंड इस तरह से हमने अपने उर्दू के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स ये तो पहली चीज हो गई। और दूसरी मैंने आपको बताई है कि अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस आ जाता है एक्टिव वॉइस का इंग्लिश में और हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो फिर हमें उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो फिर हम उसको किस तरीके से, किन उसूलों के तहत चेंज करते हैं। यानी कि हमारे सामने कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस आ जाता है इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस का और हमें उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो फिर हम उसे किस तरह से चेंज करेंगे ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक सेंटेंस हम यहां पर ले लेते हैं, हम कह देते हैं कि आयशा, एक सेंटेंस ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड। आयशा वॉज रीडिंग, आयशा वॉज रीडिंग अ बुक। अच्छा फ्रेंड्स अब सेंटेंस है हमारे सामने आयशा वॉज रीडिंग अ बुक, अब इसे हमने चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। तो फ्रेंड्स को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें वो सारे उसूल मालूम होने चाहिए कि जो किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए दरकार होते हैं हमें। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप इसी चैप्टर का जो लेसन नंबर 2 है उसका पार्ट 2, लेसन नंबर 2 का पार्ट 2 चेंजेस के हवाले से आप उसको स्टडी कीजिएगा, उसको अच्छी तरह से उस वीडियो को देखिएगा बार बार। वहां मैंने इन तमाम चेंजेस को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, वहां से आप देखकर इन चीजों को तफसील से सीख सकते हैं। यहां पर मैं सरसरी सा एक टच देता चलूंगा ताकि आपको ये चीज भी आपको थोड़ा आप सीखते चले इस चीज को भी। तो फ्रेंड्स हम जब किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहां पर कुछ तब्दीलियां होती हैं। पहली तब्दीली फ्रेंड क्या होती है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। यानी कि पहले हम इसको रियलाइज कर लेते हैं, इसका सब्जेक्ट हो गया आयशा और ये इसका फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब वॉज,
और रीडिंग जो है इसका ये मेन वर्ब है और बुक जो है इसका ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स पहला काम ये होता है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। यानी कि हमने करना क्या होगा कि आयशा को पैसिव, अभी पैसिव वॉइस के जुमले में क्या करना होगा, आखिर में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पहला काम तो ये होता है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आता है। फ्रेंड्स क्या हुआ, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये आपस में अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं। तो ये है पहली तब्दीली। तो पहली तब्दीली क्या है, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। अच्छा फ्रेंड, अब सेंटेंस चूंकि सब्जेक्ट से शुरू होता है लिहाजा हम पहला काम करते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पर और सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है सॉरी, वो है बुक। तो हम बुक को यहां पर लिख लेते हैं, अब बुक। फ्रेंड्स हमने क्या किया कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम लेकर आ गए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है जी, दूसरा काम क्या करते हैं कि जो एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं फ्रेंड्स, ये हम पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी अब हमने क्या करना है कि जो एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब थे जो भी हम इस्तेमाल कर रहे थे, ये हम पैसिव वॉइस के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आपको याद होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे थे आप। तो आपको याद होगा सिर्फ वाज और वर दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब इन दो को हम यहां भी इस्तेमाल करेंगे लेकिन सब्जेक्ट की मुनासबत से, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब सूट कर रहा हो इस सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वर्ब से वो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड क्या इस्तेमाल करें हम लोग, अब बुक, ज़ाहिर है बुक सिंगुलर है, वाज आ गया, यानी कि ऊपर वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनमें से हमने वाज को सिलेक्ट किया और बुक के साथ चूंकि वाज ही सिलेक्ट सूट करता है हमने यहां पर इसको इस्तेमाल किया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद नंबर आता है मेन वर्ब का। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेन वर्ब को नीचे शिफ्ट करने से पहले हमें यहां पर एक इजाफी हेल्पिंग वर्ब भी लगाना होता है जिसे हमने नाम दिया हुआ है बी का। यह कहलाता है एडिशनल हेल्पिंग वर्ब। ये सारी डिटेल्स फ्रेंड्स पिछले लेसन के अंदर दी गई हैं, आप वो सारे लेसन जो है स्टडी करें, वहां से आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। बी वो वर्ब है एडिशनल हेल्पिंग वर्ब के जिसे हम यहां पर लगाते हैं सेंटेंस को पैसिव करने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स ये वो हेल्पिंग वर्ब है कि देखें जो एक्टिव वॉइस में नहीं था। आप ऊपर देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर नीचे हमें बी लगाना है। अब हमें यहां पर बी का इजाफा करना है, बी की कौन सी फॉर्म लगाएं ये जानने के लिए हमने इससे पीछे वाले हेल्पिंग वर्ब को देखना है। तो पीछे वाला हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वॉज, और वॉज के बाद हमेशा आप जानते हैं कौन सी फॉर्म लगती है फ्रेंड्स, हाँ फोर्थ फॉर्म लगती है। तो बी की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी बींग, हमने बींग लगा दिया फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग मेन वर्ब की तरफ, उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा हमें लगानी होती है थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है रीडिंग। अच्छा अब हमें इसको जब पैसिव वॉइस में लेकर आएंगे तो हम पढ़ चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। तो फ्रेंड्स रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी ये आप अच्छी तरह जानते हैं, हम इसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं रेड, क्योंकि आप जानते हैं कि रीडिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रेड। फ्रेंड स्पेलिंग इसकी सेम होती है, स्पेलिंग सेम होगी यानी कि रीड की फर्स्ट सेकंड और थर्ड की स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज होता है, रीड रेड रेड, ठीक है ना। तो रेड आ गया, अ बुक वॉज बींग रेड, किताब पढ़ी जा रही थी। फ्रेंड हमने मेन वर्ब को नीचे शिफ्ट कर दिया थर्ड फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी आती है लेकिन ऑब्जेक्ट को हम लेकर चले गए हैं सब्जेक्ट की जगह पर, लिहाजा अब सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन उसको वहां पर रखने से पहले हमें एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा और वो प्रीपोजिशन कौन सा है फ्रेंड्स, वो है बाय। तो हम यहां पर बाय का इजाफा कर देते हैं, बाय लगा दिया हमने फ्रेंड्स। उसके बाद हमने जो है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को उठाकर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देना है। तो आयशा नाउन है लिहाजा इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेम ही होगा, यहां पर हम लगा देंगे आयशा, सॉरी फ्रेंड्स स्पेलिंग गलत हो गई, यहां पर हम लगा देंगे आयशा। तो फ्रेंड अब हमारा सेंटेंस कुछ यूं हो गया, अ बुक वॉज बींग रेड बाय आयशा, किताब पढ़ी जा रही थी आयशा के जरिए। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने क्या किया, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को
जो चेंजेस हमने पढ़ी हैं चैप्टर इसी चैप्टर का जो लेसन नंबर टू है उसके पार्ट टू में, उनको फॉलो करते हुए हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। आयशा वॉज रीडिंग अ बुक, आयशा किताब पढ़ रही थी। अ बुक वॉज बींग रेड बाय आयशा, किताब पढ़ी जा रही थी आयशा के जरिए। फ्रेंड्स यहां तक हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेसन ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा, और इसको हो सके तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क आप यूज करते हैं उस पर शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए सलमान खट्टर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।